बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आरटीवी चैनल की तरफ से हम आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सबने हमारी पहली वीडियो में अमेज़न जंगल के बारे में दिलचस्प हकायक को जाना, हम इस वीडियो में आपके लिए पार्ट टू लेकर आए हैं। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके इसके साथ लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ तो दोस्तों, किसी पहाड़ या झील से अगर बहुत सा पानी इकट्ठा होकर खुश्की पर जब दूर तक बहता चला जाए तो इसे हम दरिया कहते हैं। दरिया या तो किसी दूसरे दरिया में जा गिरता है या किसी बहर और बहीरे से जा मिलता है। दुनिया में मौजूद बहुत से बड़े बड़े दरिया हैं, जिनमें 10 मशहूर तरीन दरियाओं में दरिया नील और दरिया अमेज़न के बाद मेकोंग, अमोर, कांगो, ओ जर्द, हेनसी, मिसिसिपी और जांगटे हैं। इनका शुमार दुनिया के 10 बड़े दरियाओं में से होता है। दरिया नील बरआज़म अफ्रीका में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है और इसके बाद अमेज़न का नंबर आता है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और जनूबी अफ्रीका का सबसे बड़ा दरिया है। दरिया अमेज़न अपने हुजम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया जाना जाता है। इसके हुजम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि इसके बाद आने वाले दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे तक जितने भी दरिया हैं वो इसके बराबर का हुजम भी नहीं रखते। अमेज़न जंगल भी दरिया अमेज़न की वजह से शोहरत का अहम तरीन हिस्सा है। ये जंगल 9 मुल्कों तक फैला हुआ है, जिनमें ब्राज़ील इस जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, ये जंगल 5.5 करोड़ साल पुराना है। इस दुनिया में मौजूद जानवरों, परिंदों और हशरातुल अर्ज़ की 40% किस्में इस जंगल में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ इन जंगलों में 400 से ज़्यादा कबीले आबाद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन कबीलों में रहने वाले मौजूद लोगों की तादाद 50 लाख से भी ज़ायद है। ये लोग 21वीं सदी में भी जंगली स्टाइल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अमेज़न जंगल के दरख्त इतने घने हैं कि दिन के वक्त भी रात का गमा होता है। यहाँ पर ऐसे जहरीले हशरात भी पाए जाते हैं, अगर वो किसी को काट लें तो वो शख्स चंद सेकंड में ही मर जाएगा। दरिया अमेज़न में मछलियों की 30,000 अकसाम पाई जाती हैं। और दोस्तों, यहाँ एक मज़े की बात यह भी है कि अमेज़न जंगल में 60% से ज़ायद जानदार ऐसे हैं जिनका नाम अभी दरियाफ्त नहीं हुआ। यहाँ की मकड़ियाँ इतनी बड़ी और ताकतवर हैं कि ये परिंदों तक को दबोच लेती हैं। अमेज़न जंगल में फलों की 30,000 से ज़ायद अकसाम पाई जाती हैं। इस जंगल में मौजूद हशरातुल अर्ज़ की तादाद 30 लाख के करीब है। 20,000 से ज़ायद अकसाम के परिंदे पाए जाते हैं। 40,000 से ज़ायद अकसाम के दरख्त हैं और 427 अकसाम के जानवर और 378 अकसाम के रींगने वाले कीड़े और मुख्तलिफ़ किस्म के सांप पाए जाते हैं। दोस्तों, माहिरीन अभी तक इस जंगल के सिर्फ 10% हिस्से को खोज चुके हैं। अमेज़न जंगल के दरख्त इतने घने हैं कि अगर आप अमेज़न जंगल में मौजूद हों और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए तो बारिश को आप तक पहुंचने में 12 से 15 मिनट लग जाएंगे। दोस्तों, यहां आपको मैं एक और दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। अमेज़न जंगल को अल्लाह ताला ने बेशुमार नियमतें अता की। कुदरती तौर पर भी इस जंगल पर बहुत से करिश्मे वाजे हैं, जिनमें एक ये भी है, अमेज़न जंगल के मगरिब में चार्ड एक ऐसा मुल्क है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर सहरा सहारा मौजूद है। इस सहारा से उड़ने वाली रेत, जिसमें फास्फोरस की तादाद बहुत ज़्यादा है, ये हर साल नासा के सैटेलाइट के अंदाजे के मुताबिक 182 मिलियन टन रेत सहारा से अमेज़न की तरफ आती है कि अमेज़न जंगल में फर्टिलाइज़र की कमी पूरी हो जाती है। दरिया अमेज़न अमेज़न जंगल को सराब करता है। सच है, अमेज़न जंगल किसी अजूबे से कम नहीं। ये जंगल इतना घना और होलनाक है कि इसके ज़्यादातर हिस्से पर धूप नहीं पड़ती और अंधेरा छाया रहता है। यहाँ पर पाई जाने वाले शहद की मक्खी आपको 2 से 3 बार डंग मारे तो 80% चांस है कि आपकी मौत वाकई हो जाए। अमेज़न जंगल की झाड़ियों में सैकड़ों किस्म की चूंटियाँ डेरा डाले हुए हैं। अमेज़न जंगल को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है, इसलिए कि दुनिया का 20 से 25% ऑक्सीजन ये जंगल पैदा करता है। यहाँ सारा साल बारिश होती रहती है और धूप भी रहती है। बज़ाहिर ये जंगल बाहर से तो वीरान नज़र आता है, मगर जब आप अंदर जाएँ तो आपको इल्म नहीं होगा कि आपको किसने मारा और कहां से मारा। यहां पर सींगों वाले मेंढक भी पाए जाते हैं,
ऐसे मेंढक भी पाए जाते हैं जिनके जिस्म से जहर खारिज होता है, और ये जहर इतना खतरनाक है इसको खाने वाला शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है। अगर आप इस जंगल के एक तरफ से अंदर जाएं, तो बहुत मुश्किल है कि आप दरमियानी इलाके तक जिंदा सलामत पहुंच सकें। यहाँ पर छोटे हशरात ही आपके हाल को बेहाल करने की ताकत रखते हैं। यहाँ आपको एक और हकीकत से आगाह करते चलें, यहाँ पर मौजूद रहने वाले 400 से ज़ायद कबीले अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, और दूसरा इसकी ज़ुबानें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। चंद साल पहले यहाँ एक बाप और बेटा दरियाफ्त हुए जो पिछले 42 सालों से यहाँ रह रहे थे और खुद के इन जानवरों और हशरात से हिफाजत किए हुए थे, जो छोटे छोटे हशरात और जानवर का गोश्त खाकर गुजारा करते। इनका कहना है उन्होंने कभी इस अरसे में आग को बुझने नहीं दिया। अमेज़न जंगल में जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। यहाँ ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो इंसान को एक झटके से मार सकते हैं। इनमें से चंद एक का जिक्र करते हैं, ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, दौरे हाजिर में मौजूद रिलीज़ होने वाली मशहूर फिल्म एनाकोंडा को आपने देखा होगा। इसमें दिखाया गया था कि एनाकोंडा एक बहुत बड़ा सांप है। दर हकीकत अमेज़न जंगल में रहने वाले सांप एनाकोंडा सांप जितने बड़े नहीं होते जितना बड़ा सांप फिल्म में दिखाया था, मगर इससे काफ़ी हद तक मुख्तलिफ और बहुत बड़े होते हैं। कहा जाता है अगर कोई शख्स या जानदार एनाकोंडा के चुंगल में फंस जाए तो इनका बचना नामुमकिन हो जाता है। ये पहले तो अपने शिकार को गिरफ्त में लेता है, फिर उसकी हड्डियां तोड़कर इसे दर्दनाक मौत देता है। एनाकोंडा इंतहाई ख़तरनाक सांप है, मगर ग्रीन एनाकोंडा सबसे ज़्यादा खतरनाक शिकारी है। इनकी खासियत ये है कि ये सांप मगरमच्छ की तरह अपनी आँख ऊपर की तरफ रखते हैं और ज़्यादातर जानवरों परिंदों वगैरह का शिकार करते हैं, मगर इनको अक्सर मगरमच्छ का शिकार करते भी देखा गया है। जायंट ओटर, ये अमेज़न जंगल का सबसे होशियार और ख़तरनाक शिकारी है। ये साइज़ में छोटे बड़े हो सकते हैं। एक बड़े और जवान ओटर की लंबाई 6 फुट तक होती है। ये पानी में गोता लगाकर शिकार कर सकते हैं। ये जानवर दरिया अमेज़न में ग्रोहों की शक्ल में रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये अपने मुँह से मखसूस किस्म की आवाज़ें निकालते हैं जिन्हें दूसरे ओटर समझ लेते हैं। ये मछलियों और सांपों का शिकार तेज़ी से और फुर्ती से करते हैं। इनके काटने की ताकत चीते से भी ज़्यादा होती है, इसलिए ये अमेज़न जंगल का सबसे ख़तरनाक शिकारी समझा जाता है। बुल्क शार्क, ये अमेज़न जंगल की ख़ास किस्म की शार्क मछली है। मछली की ये किस्म खारे और मीठे दोनों किस्म के पानियों में पाई जाती है। ये इंतहाई ख़तरनाक मछली है। ये बड़ी बेरहमी से शिकार करती है। ये बुल्क शार्क अपने से भी बड़ी मछलियों को मारकर इनका गोश्त मिनटों में चट कर जाती है। इन मछलियों की सबसे ज़्यादा तादाद अमेज़न दरिया के करीब समंदरों में पाई जाती है। अमेज़न जैगवार, जैगवार इतना फुर्तीला और ख़तरनाक है और ये बिल्ली की नस्ल का जानवर है। इसमें ताकत और फुर्ती होती है। ये अपने शिकार की गर्दन पहले वार में तोड़ देता है। ये दरख्तों पर भी बड़ी महारत से चढ़ता है और अपने शिकार को मार कर ऊँचे दरख्त पर ले जाता है और उसे खाता है। जैगवार पानी के अंदर भी बड़ी फुर्ती से तैर सकता है। ये पानी के अंदर मछलियों और मगरमच्छों का शिकार करके उसे खुश्की पर ले आता है और उसे मारकर दरख्त पर ले जाता है। अमेज़न के जंगल के ख़तरनाक परिंदों में ईगल भी है। ये साइज़ में बहुत बड़ा और खौफनाक होता है। इसके एक पर की लंबाई 3 फुट तक होती है। इसका वज़न 5 से 6 किलो होता है। यह अपने वज़न से दुगना वज़न आसानी से उठाकर उड़ सकता है। ये परिंदों और हिरनों के बच्चों का आसानी से शिकार करता है और बंदरों का शिकार इसका मरगूब तरीन मशगला है। जी तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।